नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से SMS के अपने सेक्शन में यहां पे कॉलर आईडी कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप यहां पे मेरे SMS में देख सकते हैं कि आपको यहां पे जियो दिख रहा है, अमेज़ॉन दिख रहा है, आपको यहां पे सबकी कॉलर आईडी, पेटीएम दिख रहा है, यहां पे ई कार्ड का, गूगल का, ओला कैब्स, बुक माई शो, जियो, इस तरीके के आपको फ्लिपकार्ट, एयरटेल, सब इस तरीके से आप कॉलर आईडी कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपको पहले पता होगा कि MIUI 9 में आप इजीली कॉलर आईडी अपने मोबाइल से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फ़ोन में जाना है और यहाँ पे आपको 3 वाला ऑप्शन टैप करना है और यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ आइडेंटिफाई अननोन नंबर, तो इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा कॉलर आईडी। तो आपको ये ऑप्शन अगर आपके में ऑफ है तो आपको सिंपली इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद तो ये आपका कॉलर आईडी ऑन हो जाती है कॉल के लिए और टेक्स्ट मैसेज के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है अबाउट दिस फीचर में। आपको यहाँ पे भी अबाउट दिस फीचर में एक ऑप्शन आएगा, आपको उसको भी यहाँ पे सिंपली एक्टिवेट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन आता है तो आपको यहाँ पे जाके एक्टिवेट कर देना है इसको भी। अगर ये आपके में ऑप्शन नहीं आता है तो ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का आपको यहाँ पे ऑप्शन पूरा देखने को मिल जाएगा। तो ये कॉलर आईडी वाला आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको एक्टिवेट करनी है तो आप इसको इजीली एक्टिवेट कर सकते हैं और अपने आपको फ़ोन में आपके मैसेजिंग में जाके देख पाएंगे कि आपको यहाँ पे आपको उसकी कॉलर आईडी देखने को मिल जाएगी। बिन अननोन नंबर की आपकी सबकी कॉलर आईडी देखने को मिल जाती है। जिसका भी आप अननोन नंबर होगा तो उसको आप पहचान सकेंगे। तो ये थी दोस्तों क्विक अपडेट। ये बहुत पहले अपडेट आ चुकी थी फिलहाल, लेकिन मैं इस पर वीडियो बनाना भूल गया। तो अगर आपको इस अपडेट के बारे में नहीं पता है तो आप इस तरीके से इसको अपडेट कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द मैं कुछ और हिडन फीचर्स के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो भूलिए नहीं। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और आप मुझे रीज़न भी बता सकते हैं कि क्या कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर आप मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट है तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं है तो डिसलाइक करें। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरीके की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।